चल ऑफ यू भाई, ट्रिप का चढ़ाई का दूसरा दिन और शूज़ ने जवाब दे दिया है भाई। शूज़ मैं यहाँ पे पहन के आया था स्पोर्ट्स के, मगर दिक्कत आ गई, फट गए शूज़ अच्छी तरह। और मेरा नहीं, हर एक का यही हाल है, तो यहाँ पर देख के चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो रास्ते में क्या हुआ था, कल थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा और बीच में फिर लगा लिया था कैंप। और यहाँ पर रुकने वगैरह के लिए भी सहूलियत जिसे बोलते हैं, जैसे रैन बसेरा टाइप होते हैं, तो उस तरीके का यहाँ पे अरेंजमेंट थी। जैसे रैन बसेरा होते हैं तो रैन बसेरे के जैसे यहाँ पे अरेंजमेंट थी, जैसे इस तरीके के होते हैं इनमें। और चार्जेस थे 300 पर पर्सन, तो उसमें हमें थोड़ा सा बेनिफिट रहा टेंट का। टेंट लगाया हमने वहीं पे, खाना उन्हीं के पास खा, मगर टेंट का कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगा। तो भाई सिर्फ शूज़ वगैरह की दिक्कत है यार, बाकी देखो सारे, देखो यार थकावट के साथ साथ झरना बहुत बड़ा है, एक नंबर। तो चलिए चलते हैं आगे, चल रहे हैं अपने सफ़र पर भाई। एक नया एक्सपीरियंस, काफ़ी भयंकर चढ़ाई है, जैसे बोलते हैं आसान नहीं है। ठीक है, अगर आसान लगता हो तो। जूतों की हालत ख़राब हुई यार, जूते बिल्कुल जवाब दे चुके हैं बिल्कुल। ऊपर देखेंगे नए शूज़ मिलेंगे तो नए शूज़ लेंगे जाके। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी इसी तरह की हैं, और यहाँ पे पता है रेट्स वगैरह जो है ना वो थोड़े से कॉस्टली हैं चीज़ों की। मतलब जैसे मैगी 70, 80, 90, 100, परांठे भी ऐसे ही, और थाली का रेट 100-150। हाँ, अगर थाली वगैरह लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक पड़ जाता है, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत रहती है। थोड़ा कॉस्टली है सामान जो भी है, मतलब डबल रेट लगा के चलो। अगर 20 की कोल्ड ड्रिंक है तो 40 की मिलती है, 10 की नमकीन है तो 30 की मिलती है वो वाली। और घोड़ा आ गया भाई, घोड़ा मार देता मेरे को। हो भाई साहब, भाई साहब पहाड़ नज़र आने लगे हैं सामने, बर्फ़ वाले, तो दिखाएंगे आपको भी। काफ़ी नज़दीक से पहुंच चुके हैं कुछ। हाँ, हेलीकॉप्टर ही हेलीकॉप्टर जा रहे हैं ऊपर से। ये शॉप मेरे ख्याल से खुली नहीं अभी। रास्ते की बात करें तो रास्ते भी गीले हैं और थोड़े फिसलन भरे हैं, तो उसी हिसाब से अगर आप चढ़ाई करने आ रहे हैं तो शूज़ अपने उसी हिसाब से लाएं। एक सिंपल सी मेरी तरफ से आप जानकारी ले लीजिए फ्री में, कि अपने साथ ना वज़न ज़्यादा मत लाएं। ठीक है, मैं चढ़ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है ट्रैकिंग करनी है, और जब तक थकावट ना हो स्वाद किस चीज़ का, लीकेज चल रही है पानी में। तो आज का सफ़र भी भयंकर रहेगा। अभी नाश्ता किया नहीं है, चलिए ये नाश्ते पे ही मिलते हैं सीधा।
तो बैटरी भी कम है, वीडियो आज थोड़ी कम बनेगी। हाँ, सांस बहुत ज़बरदस्त फूलती है यहाँ पे। बीच बीच में आपको रुकने की जगह मिल जाती है, और रुकने की जगह दिखाता हूँ एक बार। तो रुकने की जगह कुछ इस तरीके से है, आप बैठ सकते हो आराम से और चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करेंगे अभी, ठीक है फिलहाल। तो पीछे देखो पहाड़ी, भाई साहब बहुत गहरी खाई है, बहुत गहरी। और एक चीज़ बताऊँ, एक नॉर्मल सी चीज़ बताऊँ, बिल्कुल नॉर्मल सी, कभी आप खुद ने, तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा मगर ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। ये जो पानी आ रहा है ना, ये इतना फ्रेश है भाई, इतना फ्रेश है और ठंडा है कि तुम्हारे फ्रिज को माफ़ कर देगा और आरओ को भी। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बो है, फ्रिज और आरओ। इतना चिल्ड और इतना मस्त, जिसे बोल देना, और सिंपल इसी चीज़, बिल्कुल जिसे बोल रहा हूँ ना, मतलब ये पहाड़ों में से और उन पहाड़ों में से, उन एरियों में से आ रहा है, और इन पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मिनरल्स वगैरह को लगा के। तो इन पहाड़ों में भाई मिनरल से भरपूर पानी मिलता है, भरपूर। हाँ, छोटा मोटा कीट कीटाणु आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बेचारा मिनरल ही देके जाएगा, इतनी गारंटी है। यहाँ का व्यू बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा फिलहाल पैरों को दुख देके। और शुरू शुरू में तकलीफ़ होती है लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। एक झरना और छोटा सा, बहुत दूर है, काफ़ी छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा, हो ये रहा, काफ़ी बड़ा है। चलिए नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, अभी नाश्ता करके सीधा फिर निकलेंगे। क्या करवाना रहा, क्या करवाओगा? अरे रास्ता तो सही है, आड़े चढ़ा ना जाओ। अच्छा, यो पिंडी बोल जाएंगे अपनी, अपनी तो पिंडी बोल जाएंगे भाई इस रास्ते पे। के लेना बताना, हाँ ये वाला तो जा लिया ऊपर है, देख कि चढ़ रहा बंदर है मेरे भाई। अरे बंदर पर गए कि तो चढ़ा ले, खेल लेना है और चाय बन जाएगी भैया। क्या रेट है? 20 का बना दो, तो बनी बनाइएगा, बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी भाई, चाय भी बनानी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, तो कहाँ से आए हो भाई साहब? अमृतसर पंजाब से आए हो, और कितने दिन लगे यहाँ चढ़ने में? सुबह शुरू किया हमें तो 2 दिन लग गए भाई, दूसरा दिन है हम भाई साहब हरियाणा से आए हैं। आप वैसे गाड़ी से आए होगे ना? हम बाइक से आए, तभी दिक्कत आई बुलेट हमारे पास सोनप्रयाग में खड़ी है, नहीं अभी ले रहे हैं, चाय लेंगे। हाँ, चाय वगैरह लेंगे दोस्तों अभी फिलहाल। और लिटरली एक चीज़ बताऊँ, लिटरली अगर आप आने की सोच रहे हो ना, तो भाई साहब हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। हाँ भी क्या है, हल्की फुल्की चीज़ है भाई साहब। और कल का बताऊँ, कल का भयंकर चीज़ हुआ भाई। कल टेंट लगाया हमने नीचे, और टेंट में क्या हुआ भाई, ठंड तो चलो ठीक है रुक गई थी, काफ़ी हद तक रुक गई थी, और ठीक है भाई, तो ठंड काफ़ी हद तक रुक गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, CO2 जैसे निकलती है ना मुंह से, हवा निकलती है। क्या हुआ? We will not explain this trip. वर्ड नहीं है भाई, वर्ड नहीं है। देखो इस ट्रैवल है, मतलब क्या है कि हम डीमेरिट्स गिनवाएंगे तो आप बुरा मान जाओगे, और अगर हम मेरिट्स गिनवाएंगे। एक महीने पहले रनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई, तभी आ सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह। हमारे पैरों का भाई जवाब दे दिया, बहुत सारे मस्त है, एक नंबर उस्ताद, एक नंबर नजारे हैं। बैठने उठने की कोई दिक्कत नहीं, सही में। हाँ उसकी दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, उसकी दिक्कत है थोड़ा सा, वॉशरूम का है, वॉशरूम की दिक्कत है भाई यहाँ पे, बहुत जबरदस्त दिक्कत है। और अगर व्यूअर्स आप आ रहे हो
तो ये चीज़ देख के आना, जहाँ पे आपको मिले, जिस तरीके का मिले, जहाँ पे आप कर सकते हो निमट जाओ, ठीक है। यहाँ पे वॉशरूम 5 स्टार नहीं मिलेंगे और शॉप्स वगैरह भी उस तरह की नहीं मिलेंगी। हाँ, ये है थोड़ा पानी को लेके साफ सफाई है, पानी साफ है, पीने लायक है, तो यहाँ का खाना भी उसी हिसाब से बनता होगा, तो हम उस चीज़ को अच्छा मान सकते हैं कि ठीक मिलेगा खाना। खाना है भी यार नॉर्मल है, ना मसाले ज़्यादा। हाँ, ये खालकल का खाना कैसा लगा था? एक नंबर, सही था ना। तो भाई खाना ये है कि मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं डालते। दूसरी चीज़, यहाँ पे हरी मिर्च भी नहीं मिलती भाई, अगर कोई हरी मिर्च खाने का शौकीन है। हमारा यार दिल तोड़ दिया इनमें, हरी मिर्च खानी थी छालेगी। हाँ भाई, घोड़े ही घोड़े। ये रास्ता घूम के यहाँ से वहाँ जाएगा। हाँ, ये कि बंदर बंदर कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चश्मा पश्मा गोप्रो पोप्रो कुछ भी लाओ, बंदर की कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं छीन रहा आपका गोप्रो आपसे, और आप किसी भी तरह आ सकते हो, दिक्कत नहीं है। शूज है सुबह की शुरुआत एक चाय के साथ। हाथों की हालत देख सकते हो, हाथ ठंड के कारण धीरे धीरे फटने चालू हो गए हैं भाई। ज़बरदस्त सीन हो गया। और घोड़े से इस तरह से पब्लिक आती है भाई, घोड़ों का बहुत सावधान रहना पड़ता है घोड़ों से। घोड़े भाई टक्कर भी मार देते हैं, इधर सेफ नहीं चलते बिल्कुल भी। और इधर इनको लेफ्ट राइट का पता ही नहीं है, ये अगर सीधे चल रहे हैं तो सीधे ही चलेंगे, अगर तुम इनके रास्ते में आ गए तो भाई तुम्हारी ताता थैया। ये पैर पे भी लग सकता है भाई घोड़ा। तो कब शुरुआत की थी भाई आपने? आज ही सुबह एक पैर लगते घोड़े जैसी पावर आ जाएगी। सुबह 6 बजे आप गाड़ी से आयोगे ना? सोन प्रयाग रुके होगे पहले तो? नहीं नहीं, हम गंगोत्री से सीधे। अच्छा, गंगोत्री से आयो? वाओ, गुजरात में कहाँ से? ये कछुआ गंदी तरह देखता हुआ। यहाँ पे स्टिक्स ना भाई महंगी महंगी भी ला रहे हैं लोग, प्रोफेशनल जिसे बोलते हैं ट्रैकर्स। काफ़ी उम्र दराज हैं लोग, लेकिन फिर भी मेहनत पूरी कर रहे हैं। अभी चलेंगे थोड़ी देर में। भाई साहब को बहुत मस्त एक्सपीरियंस है भाई, बहुत मस्त एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, भयंकर है। एक बार आके देखो चीज़, मतलब पता क्या है, जब तक ट्रैकिंग करके ना देखोगे ना तब तक उस चीज़ का पता नहीं लगता। तो अभी इससे आगे टुंगनाथ है, टुंगनाथ भी देखेंगे करेंगे या नहीं करेंगे, जान बचेगी या ना नहीं बचेगी। और हाँ, एक चीज़ है भाई, यहाँ पर नीचे टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था, काफ़ी डाउन। और जो बोलते हैं ना, हमारी सांसों से फिर CO2 निकलती है और फिर पानी जम जाता है, तो टेंट भी ठंडा हो गया था रात को। और मैनेज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर मैनेज नहीं हो पाएगा भाई। ऊपर ठंड 4 डिग्री तक भी नीचे जाती है, 4 डिग्री तक। और यहाँ पे मेरे ख्याल से रात को 9-10 के आसपास गया हुआ टेम्परेचर। तो फिलहाल शूज़ क्या दिखाता हूँ आपको। सिंपल सी नॉलेज जिसे बोलते हैं ना भाई, जो आर्मी से रिलेटेड है, यहाँ पर मैक्सिमम जो भी ट्रैकर्स हैं ना, जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ पे चीज़ों को ऊपर ले जाते हैं, उनके सबके शूज़ ये वाले हैं, जो कि आर्मी में मिलते हैं, CISF में भी मिलते हैं। और आर्मी में स्पेशली यही शूज़, अगर यहाँ पे ठंड वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होती है, तो इस तरीके के मिलते हैं। और अभी फ़िलहाल शुरुआत हो चुकी है भाई आगे की तरफ के पड़ाव की। अब आगे का पड़ाव पार करेंगे और देखेंगे भाई क्या तजुर्बा रहेगा। हाँ, ये है, अगर आप आ रहे हैं तो तैयारी पूरी करके आना, मगर वज़न मत लाना अगर आप ट्रैकर नहीं हैं तो। अगर रूम वगैरह आपको हर जगह मिल जाते हैं रुकने के लिए, तो सीधा चलते हैं आगे। जगह आपको इस तरीके की भी मिलती है भाई, बहुत भयंकर जगह, एक नंबर की जिसे बोलते हैं ना, मज़ेदार। और भाई एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा। हाँ भी रोंडे। तो भाई थकावट है मगर मज़ा भी है, तो चल रहे हैं आज। एक से एक झरना है रास्ते में,
कम से कम भी 20-25 झरने तो आराम से मिल जाते हैं, जहाँ पे पानी वगैरह फिर बोतल वगैरह रिफिल कर सकते हो आप। और पब्लिक सुबह 4-5 बजे भी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देती है, और हमने तो 7 बजे करी है सुबह, ठीक है। नींद नहीं खुलती यार टाइम पे, अगर नींद खुल जाए टाइम पे तो ट्रैकिंग वगैरह भी टाइम पे स्टार्ट हो जाए, समझे। हो मज़ेदार है, बहुत भयंकर जगह है भाई, बहुत भयंकर। क्यों दिखाना चाहूँगा, क्या बोलते हैं, न्यूज़ पे भी जो बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था जब बादल फटा था ना यहाँ पे, तो ये वाला एरिया देखो आपको पहचान में भी आएगा। ये नदी आ रही है पूरी की पूरी ऊपर से, और यहाँ पे फिर नीचे पानी वगैरह भी इकट्ठा हो रहा है। ये रहा पूरी नदी है पूरी की पूरी, और यहाँ पे बहुत सारा पानी आया था भाई एकदम से। तो बीच में जब हम यहाँ पे आते हैं तो बीच में से यहाँ पे इंटरसेक्ट दो रास्ते होते हैं भाई। सामने व्यू देख लो एक बार पहचान के लिए, और ये वाला रास्ता जो जा रहा है पुराने वाला रास्ता है, और नीचे वाला स्लाइड वाला ये नए वाला रास्ता बनाया गया है पुल पे से होते हुए। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, वो देखो पब्लिक वो जा रही, वो दिखाऊँ मैं वो रही, तो ये घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन और एक चीज़ और है, ये वाला रास्ता आपको जो नए वाला है 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर ज़्यादा लंबा पड़ेगा बकायदा इसके, तो पुराने वाले रास्ते से ही जा रहे हैं हम। और थोड़ा सा हाँ ये कि खड़ी चढ़ाई है इसकी, थोड़ा सा स्ट्रेट अप साइड है, तो कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाएंगे आराम से। तो फिलहाल बने रहिए वीडियो में दोस्तों, इन रास्तों में आपका डिसीज़न रहेगा कि आपको नए वाले रास्ते से जाना है या फिर पुराने रास्ते से। सब कुछ तहस नहस हो गया था इसमें, सब कुछ नीचे पानी इतना है ग्लूकोज सा घोल देगा आदमी का। है नहीं पानी असली, नूनी वेरा कहा कि चांदी सोने की गुठी गाठी दे भी पड़ी पाऊंगी इसमें। ये वेरा कितनी डेड बॉडीज मिसिंग हुई थी भाई, बहुत सारी बॉडी मिसिंग हो गई थी उस घटना के बाद, और बहुत ही जबरदस्ती से बोल देना वो व्यू देखो एक बार, ये हाथी जैसी चट्टाने, भाई साहब एक नंबर दड़ाके उठने कदी पानी के कदी खड़े। दूर तो यार छोटी सी लगे थी नदी, लेकिन पास आने के बाद पता चला है भाई बहुत पानी है, बहुत इमेजिनेशन नहीं है इस चीज़ की। और स्पीड इतनी, अगर सिर पे गिर जाना है वो इतनी स्पीड में पानी, तो वो सिर ना खोपड़ी ना मान लो एक सेकंड के भीतर सुन कर देगा, और बहुत चिल्ड पानी है। ठंड हो चुकी है वैसे, चलो चलते हैं आगे भाई। जितना पास आ रहे हैं ना इन व्यू के या फिर इन वाटरफॉल्स के, उतना ही वहम दूर होता जा रहा है। वहम किस चीज़ का, कि ये बहुत छोटे हैं, कि इनमें पावर नहीं है, या फिर इस तरीके के व्यू देखो भाई। ओए होए होए, पुल पे पहुंच चुके, पुल हिल रहा है वैसे। हाँ चल भाई, इनके घोड़े ने जवाब दे दिया और ये आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा रहा, और उन्होंने अभी थोड़ा सा वजन कम किया इसका, तब देखते हैं चलता है नहीं चलता। इसकी सांसें देखो कितनी ज़बरदस्त ले रहा, इंजन भपकी मार रहा है इसका। वो तिर गए को रख दिया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा यार। आजा ओ भाई साहब, पानी दे एक बार, कितना दूरी बना दे मेरी, बोलता रही है। गाइस यू कैन सी हियर द व्यू ऑफ द मूवमेंट,
in a mountain. There is a child who sit on a bucket because he has no power to carry on. So let's see, we will आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या नज़ारे हैं. और ये देखिए वन ऑफ द बेस्ट एंड लुक इट, द सेकंड पाथ इज हेयर एंड द फर्स्ट इज हेयर, द सेकंड पाथ इज हेयर. दिस इज ओल्ड पाथ एंड दिस इज अ न्यू पाथ हु क्रिएटेड सम नियर एगो. लुक दिस. So guess what is the pressure of this water, and look here. So we will travel and carry on our journey. So let's see what we find next on our this is the view. You also come here and enjoy this moment. If you are a young user, you can do easily, but if you are a old man, you also do it. This is a shop and there is a view. Wow. दोस्तों फिलहाल धूप आ चुकी है और रुके हैं बीच में. भाई साहब इतनी खड़ी चढ़ाई यार. अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो ये फोन मेरा स्ट्रेट है, खुद अंदाजा लगा लो कैसे चल रहे हैं. हालत खराब है भाई फिलहाल जबरदस्त. तो दो रास्ते जो मैंने दिखाए थे, दो रास्तों में से एक रास्ता चूज करना पड़ता है. तो 2 किलोमीटर वाला हमने चूज नहीं किया जो कि 2 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है. तो हमने खड़ी चढ़ाई वाला चूज़ किया. लेकिन भाई साहब मानने वाली चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा थकावट है. थोड़े देख के नहीं चलते भाई इधर. हाँ, घर के आसपास कवर हो चुका है रास्ता और ऊपर आए हैं जहाँ पे कैंप लगाया था उससे. और अभी ज़्यादा दूर नहीं है केदारनाथ, पहुँच जाएंगे, बहुत आराम से पहुँचेंगे. तो ओनली जो रिक्वायरमेंट है वो है विल पावर. अगर विल पावर है तो आप क्रॉस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन एक्सपीरियंस भाई साहब मज़ेदार, जिसे बोलते हैं मज़ेदार एक्सपीरियंस है. तो एक चीज़ दिखाता हूँ, ऊपर ने एक रेस्टोरेंट दिखा मुझे, तो रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें हैं. यहाँ पे इन्होंने ना पूरा यहाँ का मैप वगैरह डाल रखा भाई केदारनाथ का, कि यहाँ पे क्या है, घोड़ा पड़ाव, उसके बाद क्या है भैरव पड़गोदरा, और उसके नीचे क्या है ये कैंप वगैरह, सारी चीज़ मतलब इसमें मैंशन कर रखी है. काफ़ी अच्छी चीज़ है. धूम्रपान निषेध,